नेपाल में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने नेपाल में तबाही मचा दी। भूकंप की वजह से अब तक 128 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भूकंप की वजह से कई मकान जमींदोज हो गए। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार ये तेज भूकंप आया है। नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में इस भूकंप का केंद्र था। नेपाल में आए इस भूकंप के झटके के बाद दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें नेपाल के जिन इलाकों में तबाही हुई है, किस तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं मकान, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा भी जब भूकंप आता है तो ऐसे मकानों पर खतरा मंडरा जाता है। और भूकंप के बाद नेपाल की ये तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। कई लोगों की मौत की खबर है। और इस बीच ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उन इलाकों की जहां पर नेपाल में भारी तबाही हुई है। 6.4 तीव्रता के साथ ये भूकंप आया और हाल ही के दिनों में ये तीसरा भूकंप देखने को मिला है नेपाल में। 128 लोगों की मौत की खबर मिली है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त क्या मंजर वहां पर होगा और किस तरह से मातम पसरा होगा, क्योंकि कई लोगों की जान भी चली गई है। 128 लोगों की मौत की खबर है अब तक। तो ये दो तस्वीरें नेपाल के अलग अलग जगहों की जहां पर पूरी तरह से मकान मलबे में तब्दील हो गए हैं। देर रात जब लोग सोए थे तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अचानक से इस तरह से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऐसे में भूकंप से जो तबाही हुई है वो वाकई डरा देने वाली है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और भारत नेपाल के साथ खड़ा है। ये पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, हर संभव मदद देने के लिए तैयार हूँ। नेपाल में भूकंप के कारण जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूँ। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा। तो रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता वाला ही जो भूकंप आया, इसे लेकर अब अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं कि लोग लगातार उन लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं जिन्हें क्षति पहुंची है, जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया है। कई घर गिरे हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और 128 लोगों की मौत की अब तक खबर है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।